नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन के रासायनिक नाम व उनके सन कब खोजे गए थे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप यह वीडियो लास्ट तक देखें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि विटामिन की खोज जो किए थे वो फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे आपको लिखा है सन कि कब खोजा गया था। ये है विटामिन के नाम है, और ये जो ब्रैकेट में है आपको दिख रहा है वो रासायनिक नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई थी, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, दोनों बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं, 1920 में विटामिन सी की खोज हुई थी। जितने भी विटामिन हैं उसके रासायनिक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 1920 में विटामिन सी की खोज हुई थी आपकी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, यानी स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, फिर 1920 में ही विटामिन डी की भी खोज हो गई थी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। सारे रासायनिक नाम जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1920 में ही विटामिन B2 की खोज हुई थी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1920 में ही विटामिन B2 की खोज हुई थी, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। ठीक है, टोकोफेराल की लिखा है, टोकोफेराल भी कहते हैं लोग। ठीक है, टोकोफेराल भी आप कह सकते हैं, टोकोफेराल की या टोकोफेराल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला है 1929 में विटामिन K1 की खोज हुई थी। विटामिन K1 का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन नाम है K1 का, इसकी खोज हुई थी 1929 में, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1931 में विटामिन 85 की खोज हुई थी। सॉरी, B5 है, इसमें मिस प्रिंट हो गया है। विटामिन B5 की खोज हुई थी। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 1931 में विटामिन B7 की खोज हुई थी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या रासायनिक नाम है? बायोटिन, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1934 ईस्वी में, ठीक है, सन 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी। विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पायरोडोक्सिन। क्या नाम है? पायरोडोक्सिन, इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, पायरीडोक्सिन। अगला है 1936 में विटामिन बी थ्री। ठीक है, 1936 में विटामिन B3 की खोज हुई थी। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन, आप देख सकते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। आप यहाँ तक अगर देख लिए हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त रासायनिक नाम विशेषकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सन 1941 में विटामिन B9 की खोज हुई थी। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1942 में विटामिन B12 की खोज हुई थी।
ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन टू विटामिन ट्वेल्व बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो विटामिन ट्वेल्व की जो खोज हुई थी वो हुई थी आपके 1942 में। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। यहीं तक का वीडियो रहा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।